दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत मस्त होंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं वो जा रहे हैं सुदानी, और आज इस घास के लिए हमें सुदानी से झगड़ा करना पड़ा। और अमीर भाई उधर जा रहे हैं, वो साथ में सुदानी भी है, और क्या कहते हैं, ये घास पूरा लोड लोड कर लिए। अभी बाकी है पूरा 1 2 3 4, यानी मतलब 4 5 पूरा बाकी टोटल। वो भी इंतजार कर रहे, देख सकते हैं वो कैसा चला रहा हालात, यानी मतलब कुछ से झगड़ा हुआ अभी। और ये पूरा टोटल है ये लोड के लिए हूँ। तो दोस्तों, क्या क्या बोल रहा था, आपको पूरी बातें शेयर करेंगे, क्योंकि वजह है कि ये मजरा अमीर भाई का है, तो मैं उनसे बहुत मतलब कि लगाव रखता हूँ। मेरे दोस्त हैं, एकदम क्लोज दोस्त हैं, इतना मतलब बेस्ट फ्रेंड है, तो हमारे लिए वो भी कुछ भी बोल सकते हैं, वो मतलब कि सुदानी से बात कर सकते हैं। तो जैसे झगड़ा कर रहा था, तो सुदानी से मतलब कि हाथापाई नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि मुसीबत क्या है दोस्तों, उसमें देखा है कि एक धूप धूप वाली घास है, तो उसमें क्या बोला वो कि मैं उठाऊंगा। हमने कहा मैं उठाऊंगा, तो मतलब थोड़ा सा धक्का धिक्की हो चुकी थी। अभी जा रहा वो, देख लो वो जा रहा अभी। तो अमीर भाई बोले कि तुम कन्हैया उठा, मतलब कि घास उठाएंगे, सुदानी ने उठाएगा। तो ज़बरदस्ती उठाने लगा, 3 4, देखो उस साइड भर लिया वो, उस साइड में जितना पूरा भर लिया। और ये बाकी जो ये घास है दोस्तों, ये जो घास है नंबर 1 का दोस्त घास है, ये इसी की वजह से वो लफड़ा किया है मुझसे। तो दोस्तों, कहते नहीं हैं तो इस समय घास की कमी है, कमी की वजह से लोग इधर उधर टहल रहे हैं, मिल नहीं रही हैं। तो मेरे दोस्त हैं जो हैं, फ़ोन कर देते हैं, मैं तुरंत उठा के आके ले जाता हूँ, तो तैयार रहती है। अगले वाले मजरे में जिसमें पाकिस्तानी भाई थे, तो उसमें मैं उठाया था करीब 3 दिन 4 दिन उठाया, तो हमें काटा कटान दिया सऊदी बोलकर, आराम से काट देते थे। मैं जाता था, वो लोड कराते, लोड करके चले आते थे। इसमें बहुत बहुत अच्छा लगता था दोस्तों हमें। और इसमें क्या है, इसमें तो हर एक आदमी आता जाता रहता है, कि सुदानी, बंगाली, हिंदी, यमनी, मसरी, पाकिस्तानी, सब आते हैं लोड करने के लिए। बस आते क्या हुआ कि आज थोड़ा अच्छा घास था, इसी की वजह से मैं इस मजरे में आया। ज़्यादातर इसमें अच्छा ही निकलता है घास। रात कफिल तक पहुँच चुकी है, तो मैं तो बहरहाल अपने कफिल से बात नहीं किया, न फ़ोन लगाया। तो ये अमीर भाई थे, अपने सऊदी के पास फ़ोन लगाया कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तो हमने सीधा मतलब कि बोला कि यार कुछ गलत ऐसे मत बोलना, ताकि क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर मतलब कि अफेक्ट आए। तो मतलब कि हाँ, मतलब मैं ज़्यादा बोल रहा था, क्योंकि वजह था कि घास मैं वो फ़ोन किया, मैं उठाया तो ज़बरदस्ती उठा रहा था, इसी की वजह से मैं ज़्यादा कोशिश किया कि मैं घास उठाऊँगा, क्योंकि यहाँ से करीब 15 मिनट दूरी है, तो रूम पर जाना पड़ता, फिर रिटर्न जाकर 30 मिनट पड़ जाएगा। इसी की वजह ज़्यादा लेट, मतलब कि ज़्यादा बेंजीन, मतलब जो तेल है पेट्रोल ज़्यादा खाएगी, मतलब कि बिल्कुल बेकार ही चला जाएगा, क्योंकि ये एवरेज कम देती है। करीब हमारी ये गाड़ी एवरेज देती है बहुत मुमकिन, तो मान चलिए 3 4 3 3 के एवरेज देती है, बस 3 या 4 का। तो समझ लीजिए कितना जाया, आप लोग जोड़ लीजिए, 30 किलोमीटर अप डाउन हुआ। तो काफ़ी बातें शेयर करेंगे, अभी लोड कर लें दोस्तों, अभी थोड़ा लोड किए हैं, लोड कर लेंगे, तो उसके बाद हम बात आपको पूरी बातें शेयर करेंगे कैसे क्या हुआ। शुरुआत में सुबह से मैं आया करीब यहाँ आके 6:10 में यहाँ पहुँचा, वो पहले पहुँचा था थोड़ा सा, तो उसके बाद फिर कहते नहीं हैं तो मतलब फ़ोन करके मेरा दोस्त बुलाया बंगाली भाई ने, तो उसके बाद वो ज़बरदस्ती इसे लोड करने लगा। तो मैं वो खड़ा था, तो फ़ोन हम उनके उसके सामने लगाया, तो मैं आया तुरंत लोड करने लगा। तो ज़बरदस्ती बोला कि मैं लोड करूँगा, मैं लोड करूँगा। तो सऊदी से बात हुई, फिर बोला कि सऊदी हिंदी भी उठाएगा घास, और कोई नहीं उठाएगा। फिर और कुछ बातें हुई थी, आपको शेयर करेंगे, अभी थोड़ा सा लोड कर लें तो आप पूरी बातें शेयर करेंगे। चल चुका हूँ इस समय अपने रूम साइड में, तो आपने देखा ही होगा, देखते थे रास्ते में, आपको घर भी दिखाया कितना अच्छे अच्छे थे। तो दोस्तों, हुआ क्या, उसमें सऊदी ने मतलब सऊदी आ गया था, मतलब कि काफ़ी बातें बढ़ चुकी थी, तो उस मजरे का मालिक जो सऊदी था आ चुका था, तो उसमें बातें क्या हुई थी आपको पूरा शेयर करेंगे, क्योंकि वजह ना, क्योंकि बातें शेयर करेंगे लोग बहुत झूठ मानेंगे, मगर जो बताऊंगा आपको मेरी वीडियो एकदम परफेक्टली एकदम सच्चाई उस वीडियो में, अगर सच्चाई नहीं होती तो मैं वीडियो नहीं बनाता दोस्तों। तो देखो दोस्तों, यहाँ एक बात तो क्लियर है, यहाँ सऊदी सऊदी झगड़ा नहीं करते हैं, जिसे हमारा सऊदी है और जो सुदानी का सऊदी है, झगड़ा नहीं करेंगे, वो सुलझा देते हैं। तो इस सऊदी मजरे का जो मालिक ने, वो आया, उसमें बात समझा, फ़ोन लगाया वो सुदानी अपने सऊदी के पास, तो वो बात किया कि
मतलब कि ये तुम्हारा आदमी इससे हिंदी है झगड़ा कर रहा है, ऐसे ऐसी बात जबरदस्ती घास लोड कर रहा है, आदमी बात किया, मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ ट्रांसलेट करके। तो वो बात किया तो जो ये सऊदी मालिक था ये मजरे का, तो उसे बता दिया कि ऐसे ऐसे ये ज़बरदस्ती ये आया, पहले हिंदी पहले ही आया था, तो ये मेरा जो यहाँ रखा था मुदीर उसका बोलते हैं यहाँ, जिससे मालिक ही मजरे का रहता, जैसे कि जिम्मेदारी रहती है कि कैप्टन बनाते हैं यहाँ मजरे का, तो वो हमें फ़ोन कर बुलाया, वो ऐसे आ चुका आ गया था पहले सुबह, तो ये आके ज़बरदस्ती लोड कर रहा है, तो इसको यार देख लो कैसा क्या सिचुएशन है, तो ठीक नहीं है, गलत नहीं, गलत कर रहा है ये, तो इसको आप बताओ ये हम मजरे चले जाए, तो वो तब भी नहीं जा रहा था सुदानी। तो उसके बाद ही क्या कहते सऊदी ने थोड़ा सा झटका हमें, मतलब कि उसका टायर का पंचर में जो टायर नहीं है, टायर को हवा निकाल दिया, यानी पंचर कर दिया। तो सऊदी भी वो बात बोला कि मेरा टायर निकाल दे, तो उसका सऊदी जो है सुदानी का, उसके ऊपर सुदानी पर नाराज हो गया, क्योंकि बोल रहा कि ज़बरदस्ती मत करो, ज़बरदस्ती मत करो, तो ज़बरदस्ती वो करने लगा, इसी वजह से हवा निकाल दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए किसी के साथ में, चाहे जो हो, ज़बरदस्ती करने का नतीजा भुगत लिया सुदानी ने, तो अब जाएगा कैसे, क्योंकि उस पास कुछ नहीं था, मेरे पास हवा भरने वाला था। तो कुछ देर बाद क्या कहते हैं मेरा जो बंगाली था वो बोला था भाई, तो बोला कि दे दो हवा भर के चले जाए, हमने कहा हम नहीं देंगे, मगर थोड़ी देर बाद हमने दे दिया उसको हवा भरने वाला, तो दे दिया। देख सकते हैं इंसानियत हर जगह पाई जाती है, तो मैं दे दिया अपना हवा भरने वाला पंप, तो ले लिया भर लिया तो चला गया, तो बाद में बोला थैंक यू यानी शुक्रन, तब ने कहा चल ठीक है भाई, और फोन आपका सब भला होगा, तो चला गया। दोस्तों बस वीडियो में इतना ही दोस्तों, क्योंकि कहते नहीं हैं ऊपर सीना जोड़ी बाद में आदमी बकरी तरह बन जाता है। तो असल में क्या है दोस्तों, मजरे में जो लोग रहते हैं वीडियो बनाना, मतलब मैं वीडियो बनाता हूँ तो लोग कैमरे के सामने आते नहीं हैं, थोड़ा डरते हैं, मतलब शर्माते हैं, कोई पता नहीं। तो बंगाली भाई मेरा आया नहीं, बोला कि ऐसे तुम वीडियो बना लो, तो हमने बना लिया। तो बहरहाल फिर उसके बाद क्या कहते हैं, तो मैं बना के टोटल घास लोड कर लिया, लोड करने के बाद फिर अपने रूम में चल रहे हैं, देख सकते हैं मैं रूम में चला, आपको घर भी दिखाएं रास्ते में कितने अच्छे अच्छे मिले। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, और क्या कहते हैं आप लोग थोड़ा सा खाना पीना खाइए, मौज कीजिए।